हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब हम लोग जाने वाले हैं वेदर को मारने विद हमारा फुल नेदरराइट आर्मर। आज गाइस, मेरा इंट्रो मैंने इसलिए इतना नॉर्मल रखा है क्योंकि गाइस आज मैं केवल वेदर को मारने के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ और किसी भी चीज़ पे नहीं। भाई बहुत खतरनाक होने वाला है उससे फाइट करना भाई यार। चलो लेट्स गो। अपने पास देखो तू गाइस, फूड काफ़ी सारा पड़ा हुआ है अपने पास। एंड देन अपने पास स्केप होल्डिंग का कोई यूज़ नहीं है बट पड़ी हुई है। और यहाँ पे ये और ये दोनों का अपना मेन फोकस यहाँ पे रहेगा अपना। तो गाइस, मैंने एक छोटी सी स्ट्रेटेजी सोची है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे क्या ना, वो वाटर के अंदर है तो उसको वहाँ पे मारना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो मैं अपने साथ कुछ पोर्शन वापस से लेके जाने वाला हूँ और फिर उस वेदर को पूरी कोशिश करेंगे हम लोग कि उसको ऊपर ला पाएं। ओके, पानी के अंदर नहीं मारेंगे हम लोग, उसको बाहर ओवरवर्ल्ड में लाके मारेंगे। और गाइस, मुझे उड़ते उड़ते खबर आई है, तुम लोग वीडियो नहीं देखते यार पूरा। भाई तुम लोग यार मेरे को इस तरीके से सपोर्ट करोगे क्या यार? अगर तुम लोग देखोगे तभी तो वो दूसरों तक पहुंचेगी। एक बार लाइक मत दो बस, बट वीडियो को पूरा देखो। ओके ओके ठीक है। तो और गाइस, हो सके उतना अपनी वीडियो को यार शेयर करो गाइस। तो हम लोग चलते हैं अपने रेलवे स्टेशन के थ्रू वहां पे जल्दी से, और फिर तुम लोगों को मैं वहां पे जाके उसको आज तो फटके दे आऊंगा बिल्कुल भी। और यहाँ पे गाइस, मेरे पास मेरा बो भी ओके ये रहा। मुझे लगा मैं बो घर पे रख के आ गया भाई, ये भी बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो जाने वाली थी। और यहाँ पे मैं अपने पोर्शन को भी फिर से यहीं पे रख लेता हूँ। ये है मेरा नाइट विजन का और ये है अपना ये वाटर ब्रीथिंग का। ओके तो अभी ओके नाइट हो गई ना, सबसे पहले यहाँ पे सो के आता हूँ मैं, फिर बाद में मैं तुम लोगों को बताता हूँ मेरी स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ पे। तो अभी देखो मेरी स्ट्रेटेजी क्या है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे क्या ना, मेरे को उसको ऊपर लाना पड़ेगा किसी भी तरीके से, जैसा कि तुम लोगों को मैंने कहा है। ठीक है, तो सबसे भाई यार तो ऐसा मत हो या कर यार, मेरे को डर लगता है यार, कितना ब्लैकिश हो जाता है पूरा। ओके थोड़ा बहुत फूड वगैरह खा लेते हैं, और फूड भी मेरे को ओवर लेने जाना पड़ा यार, मेरे फट रही है बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पे देखो गाइस, मैं क्या करने वाला हूँ, जिस जगह पे वो अपना है ना वेदर, आई थिंक वाटर ब्रीदिंग का आ गया मेरा। ओके ये रहा वाटर ब्रीदिंग का। ओ तूने दिया है क्या? ओ वेदर की HP देखो तुम लोग। ओ भाई ये तो पूरा फुल हो चुका है वापस से। अभी मैंने यहाँ पे वाटर ब्रीदिंग का पोर्शन पी लिया, तो सबसे पहले इस यहाँ के एरिया को मैं क्लियर करता हूँ, फिर बाद में ना मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना गाइस, अभी सुनो मेरी बात। यहाँ पे अपना वेदर है ओके, तो यहाँ पे मेरे को एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा जितने में अपना वेदर ऊपर आ सके, और वो भी पूरा नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इतना एरिया मेरे को टिक करना पड़ेगा यहाँ पे ताकि अपना वेदर नीचे आ सके। आई नो ये काफ़ी स्टूपिड आइडिया है, बट मेरे को ये करना पड़ेगा यार, क्योंकि मुझे वेदर को ऊपर लाके मारना पड़ेगा। नीचे पूरा बेड रॉक है भाई, नीचे मारना और ज़्यादा मुश्किल होगा इसको, इसीलिए इसको वाले एरिया को यहाँ से थोड़ा खाली करता हूँ मैं फटाफट, फिर तुम लोगों से मिलता हूँ। गाइस जैसे जैसे मैं उसके पास जा रहा हूँ ना भाई, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है यार, मेरे को तो डर लगने लग गया फिर से, कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें कर रहा है वो। तो गाइस विश मी लक कि मैं इसको मार पाऊँ यार, अभी मैं इससे फिर से मरना नहीं चाहता। और ये डॉल्फिन्स यार मेरे को यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान करी ये डॉल्फिन्स। तो यहाँ पे गाइस मैंने पूरा नीचे की तरफ डिग डाउन कर दिया है, बट गाइस एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है मेरे साथ। जब मैं नीचे की तरफ डिग कर रहा था तब मैंने सोचा कि ज़रा नीचे जाके देखा जाए अपना वेदर है, उसकी HP फुल हो रखी है, तो थोड़ा बहुत अगर मैं डैमेज दे पाऊँ तो दे दूंगा। बट लेकिन गाइस जब मैं नीचे गया तो वो अपनी सेकंड स्टेज पे आ रखा था भाई। एक होती है अपनी फर्स्ट स्टेज जिसमें अपना वेदर मतलब नॉर्मल होता है, उसके चारों तरफ कोई शील्ड नहीं होती, और एक होता है सेकंड स्टेज जब वहाँ पे उसके चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है। भाई मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है यार यहाँ पे उसको देख के, क्योंकि गाइस अभी उसके ऊपर बो का तो कुछ यूज़ होना नहीं है। ओके बो का तो उसका ऊपर कुछ यूज़ होना ही नहीं है, कोई नूब ही करेगा ठीक है, और अपन नूब नहीं है, अपन प्रो लोग हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने एक 200 IQ वाला एक सॉल्यूशन ढूंढा है, एक आइडिया आया है मेरे को जो कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तुम लोगों को बता देता हूँ मैं कि किस तरीके से मैं उसको मारूंगा
इजी, वो भी इजीली। ओके तो तुम लोगों को बताता हूँ मैं कैसे क्या मारना है मेरे को उसे। हाँ बस यही तरीका है गाइस, इसके अलावा मैं उसको नहीं मार सकता भाई, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेरी कुछ भी मतलब स्वॉर्ड वगैरह कुछ उसके ऊपर यूज़ ही नहीं करेगी भाई, मैं उसको कितना डैमेज दूंगा। बट गाइस मैं रिएक्शन वही दूंगा कि मैं अपनी डिफिकल्टी को हार्ड करके मार रहा हूँ उसे। ओके ठीक है, तो तुम लोग ऐसे मत कर सोचना कि भाई नहीं इसने ईजी वीजी कर लिया है तो ऐसा कोई नहीं है। भाई तू जाना भाई, क्या है जाना। ओ भाई नहीं, मेरे वेदर की हेल्थ देखो तुम लोग एक बार। और मेरे को यहाँ पे क्या ना ये लास्ट लेयर मेरा टोटल पोशन वगैरह सब खत्म हो चुका है, केवल रीजनरेशन का पोशन बचा है मेरे पास गाइस। अभी यहाँ पे क्या करना है ना मेरे को, इसको पूरे को हटाना है एक बार के लिए। ओ गाइस यहाँ पे लावा है। ओ शिट 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 शिट, ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओ भाई 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 एक मिनट, ऊपर ऊपर। तो गाइस ये रहा अपना वो वेदर। ओके 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 ओके, इसको शॉट पड़ा। ओ नाइस, बट मेरे को इस पर वेदर का इफेक्ट नहीं मिल रहा है नाइस, लेकिन मैं नीचे गिर गया। अभी यहाँ पे मैंने तुम लोगों को कहा था ना नीचे देखो बेड रॉक है पूरा, और मेरे को अभी इसको ऐसे मारना। भाई 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 इसको कुछ नहीं हो रहा भाई, इसको वाटर से भी कुछ। ओ भाई भाई, अरे जाने दे भाई जाने दे, सॉरी। कहाँ गया वैसे वो? अभी गाइस मेरे को एक नाइट विजन का पोशन लाना पड़ेगा अपने लिए, सॉरी मैं अभी जा रहा हूँ, नाइट विजन का पोशन लेके ही आऊँगा मैं यहाँ पे। भाई जाने तो दे मेरे को ऊपर की तरफ। ओ भाई पड़ा मेरे को, सॉरी। तू ऊपर आ जा, हाँ ऊपर आ जा ब्रो। ओ भाई आ गयो भाई, ये मेरे को छोड़ ही नहीं रहा भाई, ये मेरे को छोड़ ही नहीं रहा। ओके मैं थोड़ा सा नीचे रहता हूँ ताकि ये ऊपर की तरफ। ओ नहीं, मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो फिर ये मेरे लिए और ज्यादा भाई यहाँ पे मैं पूरा ब्लैंक हो चुका हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को। ओके अभी दिखा थोड़ा बहुत, कहाँ गया वो वैसे हो रहा। अभी मैं यहाँ पे क्या ना थोड़ा इसको भाई वाटर में कुछ नहीं कर सकता, तू कहाँ है वैसे। ओके ये रहा भाई, ये अभी मेरे आसपास ही रहेगा, इसको इतना कुछ मतलब डैमेज भी नहीं पड़ रहा। ओ गाइस मेरे को वेदर का वो क्यों नहीं पड़ रहा, डैमेज क्यों नहीं पड़ रहा, आई डोंट नो। ओ यहाँ पे फूल मिले जा रहे हैं यार मेरे को। ओ भाई खत्म है, बस थोड़ा सा और। ये गाइस यस फाइनली थोड़ा दूर प्लीज थोड़ा दूर। ओ मेरा गेम लैग हो रहा है बहुत ज़्यादा, यस इसको मरते हुए देखूंगा अभी मैं। ओ गाइस फाइनली, ओ मेरे को नेदर स्टार लगेगा ना यहाँ पे। ओ मेरे को 5 ये कुछ मिला इससे, वेदर रोज ओके, बट इनका क्या यूज़ है मुझे ये नहीं पता अभी। और क्योंकि इसका मेरे को ये फर्स्ट सबसे पहले मेरे को ये चाहिए भाई, ये चाहिए मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। वेदर, ओ गाइस फाइनली भाई फाइनली, इस बंदे ने देखो कितनी तबाही मचा दी मैंने ऊपर लाने के बाद भी, ये देखो। ओ एक और मिला यहाँ पे, एक बार थोड़ा मैं सुबह कर लेता हूँ फिर हम लोग फिर से करते हैं थोड़ी वार्तालाप एक दूसरे से गाइस। अभी गाइस यहाँ पे मेरे को और वेदर रोज आई थिंक, ओ दिखे ये देखो कितने सारे वेदर रोज है भाई इनका। गाइस इन वेदर रोज का यूज़ क्या है मेरे को ये कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताना यार, मेरे को इनका यूज़ नहीं पता बट फिर भी मैं इनको कलेक्ट किए जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को ये नई चीज़ मिली है यहाँ पे। ओ भाई कितनी तो भाई वो की है इस बंदे ने, रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो गाइस इस बंदे ने पूरा। और हाँ मैं तुम लोगों को एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, अभी नीचे की तरफ ना मेरे को डायमंड भी दिखा था, वेट अ मिनट रुको, यहाँ यहीं कहीं पे मेरे को डायमंड्स भी दिखे थे, करे दिखता ही नहीं यहाँ पे गाइस। देखो मेरे को डायमंड्स भी दिखे थे, वो देखो वहाँ पे ऊपर की तरफ दिखे तुम लोगों को, मैं दिखाता हूँ रुको, यहीं कहीं पे अभी डायमंड्स दिखे थे मेरे को। और मैं अपनी सिल्क टच वाली, ओके मैं अपनी सिल्क टच वाली पिकैक्स भी घर पे रख के आ गया, पिकैक्स मतलब सॉरी ठीक है, तो वो भी मेरे को अगर वो ले लेता ना तो सही रहता यार, और कलेक्ट हो जाते सीधा। अभी ये देखो यहाँ पे ये तुम लोगों को दिख रहा होगा हल्का हल्का सा, ओके नाइस एक ही था क्या भाई, थोड़े ज़्यादा दे देते यार।
अभी गाइस मैं अपने आईक्यू को थोड़ा लो कर लेता हूँ, इसलिए गाइस क्या करना मेरे को, मुझे थोड़ा अपने लिए ना एक काम करना पड़ेगा सबसे। ओके ठीक है, अभी मेरा आईक्यू लेवल फिर से थोड़ा कम हो चुका है। ओ मेरा आर्मर देखो कितना डैमेज हो चुका है भाई इससे। भाई अभी देखते हैं, चलो अब घोड़े को लेके चलते हैं अपने घर पे। पता नहीं कितने टाइम से मैंने इसको यहीं पे रखा हुआ है। लेट्स गो बड़ी फॉर होम। गाइस यहाँ पे मेरे को अपने घोड़े को घर पे ले जाने का एक नया तरीका मिला है, सबसे बेस्ट तरीका। मैं इस तरीके से लेके जाऊंगा, यहाँ पे रखूंगा अपनी माइन कार्ट को, देन मैं बैठूंगा अपने हॉर्स के ऊपर एंड लेट्स गो। ओह मुझे लगा गया। ओके अभी इसको थोड़ा पास में लाते हैं, देन मैं इसके ऊपर बैठता हूँ। अभी लेट्स गो गाइस, ये मेरे को कुछ नया तरीका लगा यार। ये गाइस हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे वापस। ओ गाइस इसकी खुशी ना कुछ अलग ही होती है भाई, नेक्स्ट लेवल वाली होती है। तो अभी के लिए गाइस बस इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।